बिहार में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के तमाम तैयारियां शुरू की जा चुकी है। हम आपको बता दें कि निगम के चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होती हैं उसमें सबसे अहम होता है कि जनता के हित का ख्याल रखा जा रहा है या फिर नहीं। जनता के लिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये सारी तमाम सुविधाओं को लेकर के वार्ड पार्षद का चुनाव होता है और जो वार्ड पार्षद जनता की इन सुविधाओं को लेकर के खड़ी उतरती है या फिर खड़े उतरते हैं तो उनको ही जनता अगली बार मौका देती है, यानी कि 5 साल तक मौका देती है। आज हम एक वार्ड पार्षद के साथ रहेंगे और उनसे जानेंगे तमाम दिन का जो कार्य है वो उस तरह किस तरह से करती है, ये सारा चीज़ जानेंगे। तो इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं पटना के वार्ड नंबर 41 में। यहाँ की वार्ड पार्षद जो है कंचन देवी है। मेरे पीछे पोस्टर लगा हुआ होगा कंचन देवी का, जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी। मतलब साफ है कि पटना को खूबसूरत बनाना है, यही इनका लक्ष्य है कंचन देवी का, और इसी लक्ष्य के साथ ये आगे बढ़ रही है। साढ़े चार साल से अधिक का वक्त हो चुका है और इस पूरे 4.5 साल में उन्होंने क्या कुछ काम किया, तमाम चीज़ें जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो किस तरह से एक दिन जो है किस तरह से काम करती है, क्योंकि फैमिली वाली है, पति जो है उनके सरकारी मुलाजिम हैं और उनको क्वार्टर भी मिला हुआ है पटना पीएमसीएच के आसपास। आप अगर दरभंगा हाउस की तरफ आते हैं तो वहाँ पर ये क्वार्टर है। ठीक, मैं क्वार्टर के पास खड़ा हूँ और ये रास्ता जा रहा है उनके ऑफिस की ओर। नीचे उनका घर है जिनको उन्होंने अस्थायी तौर पर बना रखा है और इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि जो टॉप फ्लोर है सेकंड फ्लोर पर उन्होंने ऑफिस बना रखा है और इसी ऑफिस पर वो लोगों की फरियाद सुनती है, लोगों से मिलती है, तो तमाम चीज़ें जो है इसी ऑफिस पर वो सुनती है। ये इधर से ये रास्ता जा रहा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये रास्ता है, ये सरकारी क्वार्टर है, पुराने जमाने के हिसाब से बना हुआ है, ये बांस से लकड़ी का रेलिंग बना हुआ है और थोड़ा सा एहतियात के तौर पर चलना पड़ता है क्योंकि कब ये गिर जाए, क्योंकि पुराना है इसीलिए थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है। हालांकि रास्ता यही जा रहा है उनके ऑफिस की तरफ, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि लोगों का भीड़ होता होगा, जमावड़ा होता होगा, तब एहतियात बरता जाता होगा। कार्यकर्ताओं से ये भी कहा जाता होगा कि जरा सा संभल करके लोगों को बता दिया जाए कि यहाँ पर आने में किसी को परेशानी नहीं हो। ये रास्ता जा रहा है फर्स्ट फ्लोर की तरफ, हम हैं फर्स्ट फ्लोर पर उनके परिवार के, तो फर्स्ट फ्लोर पर आप देखिए कि उनके परिवार के सदस्य रहते हैं, ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं तो सेकंड फ्लोर है। जैसा कि आपको बताया था मैंने, सेकंड फ्लोर पर उनका ऑफिस है। अभी हम रैंडमली पहुंचे हैं और देखेंगे शायद वो ऑफिस में है या फिर नहीं। अगर ऑफिस में मुलाकात होती है तो तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से वार्ड के विकास के लिए उन्होंने काम किया है और पटना की ब्यूटी जो उन्होंने पंचलाइन दिया है, तो पटना की ब्यूटी क्या उनका वार्ड सचमुच सौंदर्य हो चुका है पूरी तरह से, तो ये भी हम जानेंगे। ये उनका ऑफिस है और देखते हैं मैडम है कि नहीं है। मैडम है? मैडम नमस्कार। चलिए मैडम मुलाकात हो गई है और इस वक्त हम आपको बता दें कि 2 बज चुके हैं, 2 बजने के बाद मैडम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठी हुई है। मैडम हम लोग ये जानने आए हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, जरा सा चुनाव नजदीक है, आपका जो पंच लाइन है पटना की ब्यूटी, तो पटना की ब्यूटी पर कितना कुछ काम किया है ये बताइए। पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी, क्योंकि हम सब की ड्यूटी, ये हम लोग का दायित्व बनता है कि हमारी ये ड्यूटी है, क्योंकि ये नगर निगम में तो सफाई कर्मी तो हैं ही जो कि सफाई करके निकलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वर्चस्व तो यहाँ की जनता को होना चाहिए, क्योंकि वो खैर हम लोग का सहयोग भी काफ़ी करते हैं और जहाँ डंपिंग यार्ड है वहाँ पर डंप भी किया जाता है कूड़ा कचरा को, और हमारे यहाँ लगभग 5-6 डंप यार्ड थे जिसमें से 2 को हम लोगों ने साफ़ किया और वहाँ पर मैंने पेड़ पौधे लगवाने की व्यवस्था करवाई ताकि वहाँ पर कोई डंप यार्ड ना कर सके, क्योंकि वो रोड के बीचों बीच था और वहाँ पर काफ़ी समस्या भी होती थी गाड़ी आने जाने में और जाम वगैरह का भी प्रोसेस बन जाता था, लेकिन वो होने से काफ़ी अच्छा रहा है। और ये साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा है आपने अपने वार्ड में। ये जानना चाहेंगे मैडम आपके वार्ड में कितने मोहल्ले आते हैं, क्या आबादी है, कितने वोटर्स हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता दें। हमारे वार्ड में लमसम 27,000 कुछ की आबादी है और हम लोग के वार्ड में बहुत सारे मोहल्ले हैं, गांजा गली है, प्रेम गली है, बी एम दास रोड है, मखनिया कुआं है,
पूर्वी मखनिया कुआं है, जीएम रोड है, गोविंद ये अंदर में बाबू टोला गली है, कुनकुन सी लेन है, रमना रोड है, और ऐसे काफ़ी मोहल्ले हैं, दशरथ गली है, खजांची रोड हुआ, हम ही लोग के अंतर्गत ये सब आते हैं। और नीचल की भाग से भी हम लोग कुछ मोहल्ला आता है, जैसे भिकना पहाड़ी का भी कुछ भाग हम लोग के वार्ड 41 में आता है। मतलब कुमकुम से लेन से एक पार्ट अगर ले लिया जाए तो एक तरफ से, और दूसरी तरफ गोविंद मित्रा रोड तक आपका आता है, बाकी निचले बिहारी सोलेन का एक भाग उधर साइड का छोड़ के इधर साइड का भाग, और रमना रोड का उधर साइड का भाग छोड़ के इधर साइड का भाग हम लोग के एरिया तक आता है। जनता का समय तो सुबह से ही स्टार्टिंग रहता है, जब जनता को मन रहता है जब पहुंच ही जाती हैं, क्योंकि उनको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मेरे ऑफिस में बैठने का समय 1 बजे से 5 बजे तक का समय मेरा रहता है, और मैं उनको देती भी हूँ। अगर कारणवश कहीं जाना ही पड़ जाता है, कोई साइन वगैरह के लिए रहता है, और कोई किसी को पर्सनली हमसे मिलना है, तो वो 5 बजे के बाद भी मेरे पास आके मिल सकती हैं। वो ऐसा कोई प्रावधान मैंने नहीं रखा है कि जनता को मेरे पास आने में कोई मुसीबत तो उठानी पड़े। तो कंचन देवी अपने वादे के मुताबिक के अपनी सासू माँ को चाय देने जा रही है, चाय चढ़ चुका है गैस चूल्हा पर, मैडम चाय चढ़ा गया है ना, शक्कर वक्कर देती है? हाँ, शक्कर पत्ती सब देते हैं इसमें प्रॉपर। मैडम राजनीति की बात कर लेते हैं, किचन में है लेकिन राजनीति की बात जरूरी है। चुनाव को लेकर के तैयारियां कैसी चल रही है? जब तक चाय बॉयल करेगा उबल जाएगा तब तक हम लोग राजनीति चुनाव के को लेकर हमारे हम लोग लोग काफी मतलब अभी मतलब पहले है, मतलब काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, जैसे देवर हैं, हस्बैंड हैं, सब अपने अपने स्तर से वार्ड में जा रहे हैं, और मैं अपने स्तर से भी वार्ड में जा रही हूँ। देवर अपना जो उनका जो अपना आदमी है वो देखते हैं, मेरे हस्बैंड हैं उनके जो करीबी हैं वो देखते हैं, और मेरे करीबी जो हैं वो हम देख लेते हैं। पति का सहयोग कितना है आपके पीछे, सफलता के पीछे? सफलता के पीछे मेरे पति का तो काफ़ी सहयोग है, क्योंकि हर चीज़ में वो मना नहीं करते हैं हमको, कोई भी चीज़ बोल देते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, बस विश्वास एक चीज़ होती है जो कि वो हम पर रखते हैं। एक चीज़ होता है कि महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे भी है आपके घर में, सासू माँ भी है, पति को ऑफिस जाने से पहले चाय वाय देना, नाश्ता वास्ता देना, उसके बाद वार्ड की समस्याओं को सुनना, लोगों से सुनना, ये सब चीज़ को कैसे मैनेज करती है? जो हमको समझ में नहीं आते हैं उनसे पूछते हैं, पति से। हाँ, देवर का भी बड़ा सहयोग। हाँ, देवर का भी काफ़ी सहयोग रहा है, लेकिन देवर है कि डिस्कस नहीं करते हैं, वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। और जो मेरे पास जो आता है, जो हमको पहचानता है, अगर हमको हैंडल करने के योग्य रहता है तो हम हैंडल खुद ही कर लेते हैं, और अगर हमको समझ में नहीं आता है तो अपने हस्बैंड से शेयर करते हैं। बाकी मोहल्ले में तो कार्य हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन तक हमें फंड उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 1 करोड़ का फंड पास हुआ है, और 1.5 करोड़ का पाइपलाइन का विस्तार का फंड पास हुआ है, तो इसके माध्यम से मैं वार्ड में काफ़ी जगह कार्य कर पा रही हूँ। अभी बेनी माधव लेन का नाली का प्रोसेस का काम है, वो भी होगा। वहाँ के मैं भाई साहब से कहना चाहूँगी कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि काम नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि चुनाव से पहले वो काम आपको दिख जाएगा।
आपके सपोर्ट है कि मैं जहाँ मेरा वोटर नहीं है वहाँ मैं ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दशरथ गली के लोग भी आते हैं तो हमसे मुलाकात करते हैं, पटना कॉलेज के लोग भी आते हैं तो हमसे मुलाकात करते हैं, चमन टोली के लोग भी आते हैं तो हमसे पर्सनली मुलाकात करते हैं। और अगर देखा जाए तो कहेंगे कि राशन कार्ड और पेंशन, अगर माना जाए, अगर आप कहिएगा कि हम वहाँ पर ध्यान नहीं दिए हैं, तो कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ मैंने राशन कार्ड उपलब्ध ना कराया हो और पेंशन धारियों को पेंशन ना करवाया हो। अगर ऐसा कोई मोहल्ला है तो आप मेरे सामने ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की त्रुटि वहाँ रहती है, जैसे कि अगर किसी के नाम में गड़बड़ी है, किसी का KYC नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उनको रास्ता दिखाती हूँ कि आप ऐसे कीजिए। जो लोग ऐसा करके आते हैं मेरे पास, उनको मैं राशन कार्ड तो आप, मैं कहना चाहूँगी 1917-1918 के लमसम मेरे यहाँ से राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। और पेंशन धारियों को भी जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको भी मेरे द्वारा लमसम 800-900 के लमसम में वृद्धा पेंशन भी उपलब्ध कराया गया है, विधवा पेंशन भी हमारे यहाँ से उपलब्ध कराया गया है। और जिनका रुका हुआ होगा तो कोई त्रुटि की वजह से ही रुकी होगी, क्योंकि किसी का नाम में गड़बड़ी है तो किसी का अकाउंट में गड़बड़ी है, तो ऐसे में वो समस्या एक बैंक की होती है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा होता है मैं उनको ये बताती हूँ कि आप लोग ऐसे कीजिए, आपको ये काम हो जाएगा। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है कि जिन्हें मैंने चिन्हित करके कोई कार्य किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिन्हें मैंने चिन्हित किया है। मैंने एक समान सबको देखा, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के लोग हों। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग के लोग हिंदू वर्ग के लोग कार्य नहीं करते मुस्लिम लोग का, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। आप मुस्लिम लोग वर्ग तकबे के लोग को भी आप जाकर पूछ सकते हैं कि मेरे द्वारा वहाँ राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है कि नहीं। तो मैडम, आपने सासू माँ को चाय पिला दिया, अब कहाँ चल रही हैं? अब हम दरभंगा हाउस जा रहे हैं काली मंदिर के पास। वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी समस्या से ग्रसित हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पानी का काम था, मतलब जो पानी वहाँ पर पहले से दिया जा रहा था उसको PMCH के द्वारा काट दिया गया है। अच्छा। और मैंने वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में बोरिंग भी करवाया है और वहाँ के लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। अभी मैं वहीं पर आपको मिलवाऊंगी। तो वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे? काफी समय से शिकायत कर रहे थे यहाँ के लोग क्या? नहीं नहीं, अभी 2 महीना पहले ही ये हुआ है। पहले से तो पानी था, लेकिन जैसे ही हम लोग सुपरिटेंडेंट से मतलब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि इतने दिनों से ये लोग पानी और बिजली मुफ्त में जला रहे हैं, तो हम पानी का व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए हमें मतलब सॉरी मतलब बोले हैं। लेकिन पानी का समस्या तो अब जान ही रहे हैं कि सर्वप्रथम पानी ही मनुष्य के लिए लाभकारी है। गर्मी भी आ रहा है, ऐसे में और ज़्यादा किल्लत हो जाएगी। हाँ, किल्लत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए मैंने हाल फिलहाल 10 दिन पहले ही बोरिंग वहाँ करवाया है अपने सरकारी फंड से, जो कि हमें दिया गया था। तो ये रास्ता जा रहा है दरभंगा हाउस की ओर। कैमरामैन को कहना चाहेंगे रास्ता दिखाएं, दरभंगा हाउस की ओर ये रास्ता जा रहा है, आप देखें। और यहीं पर पीने के पानी की समस्या को लेकर के लोगों ने शिकायत की, काफी समय से शिकायत करते आ रहे थे। तो आज मौका मिला है तो लोगों से मिल रही है, हालांकि इससे पहले भी आपने मुलाकात की है लोगों से? हाँ, इससे पहले मैं बहुत बार, मैं मोहल्ले में हमेशा जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम होता है हफ्ता में 3 दिन वार्ड में जाना। अच्छा। चूंकि मैं वो कभी रोकती नहीं हूँ किसी को भी लेकर, मैं वार्ड में जाती हूँ, इसके मेरे साथ सफाई निरीक्षक भी होते हैं, क्योंकि जो भी मोहल्ला का कार्य मतलब रुका हुआ रहता है। प्राथमिकता आपकी यही है, सफाई को लेकर के प्राथमिकता आपकी है? मेरी मैं जो सफाई निरीक्षक को लेकर जाती हूँ, सकता है कि जो मेरे पास आया है उसका काम नहीं हुआ हो। अच्छा। जो नहीं आएगा उसको तो मैं नहीं जान पाऊंगी ना, लेकिन जो मेरे पास आया है वो लोग नहीं कह सकते हैं कि मेरे द्वारा काम नहीं करवाया गया। हर रोज लोग आपके दफ्तर में आते होंगे, भीड़ लगी रहती होगी, आमतौर पर कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? आमतौर पर जब फॉर्म वगैरह का बात रहता है तब लमसम डेली 50-60 लोग आ ही जाते हैं। और ऑफिस के द्वारा मतलब कुछ लोग तो मिल भी नहीं पाते हैं, कुछ लोग मिलना चाहते हैं, उनको मैं पर्सनली मिलती भी हूँ, और जो भी उनका समस्या रहता है वो मैं सॉल्व भी करती हूँ। Thank you.
तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये काली मंदिर चौहट्टा मठ है, दरभंगा हाउस के अंतर्गत आता है। काफ़ी जर्जर मकान है, सलम एरिया इसको कहते हैं, और यहाँ से शिकायत मिली थी और इसी को लेकर के कंचन देवी जी यहाँ पहुँची, लोगों की समस्या सुन रही है। आपको सीधा सुनाते हैं कि क्या कुछ मतलब लेकर जाने के लिए नहीं, राशन कार्ड लेके जाइए, फिंगरप्रिंट वहाँ लेगा, 3 सदस्य में कोई एक जन भी जाते हैं तो वो राशन उनको दिया जाएगा, हाँ मिल जाएगा, और कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। राशन देता है नहीं तो ऐसा कोई बात होगा तो हमको मेरे पास आइए। क्या दिक्कत हो रहा था दादी? हम लोग दिक्कत कुछ नहीं, पानी की दिक्कत है, आज पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है जी। शिकायत की थी शिकायत क्या करें हम, शिकायत हमको तो आराम मिल रहा है, तब शिकायत कैसे करें, हमको तो सब चीज़ आराम है। तो लोगों की शिकायत मिली थी और शिकायत को पूरा कर दिया आपने, तो फीडबैक लेने आई है लोगों का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फीडबैक लेने आती हूँ, मैं इन लोगों के द्वारा बहुत, मैं जब भी मैं आई हूँ इन लोगों से मुझे आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं कार्य नहीं की तब भी और जब कार्य की तब भी, लेकिन नहीं करने पर थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है, अब कार्य कर दिए हैं तो थोड़ा गर्व महसूस होता है, उसी गर्व को लेकर के लोगों के बीच आ गई है। बगल में काली मंदिर भी है, माँ का भी आशीर्वाद ले लीजिए। आप बताइए यहीं रहते हैं? जी हाँ यहीं रहते हैं। कैसा मैडम का कार्य है? मैडम का कार्य बहुत बढ़िया रहा, कोई तरह का कोई शिकायत नहीं है। पानी की शिकायत आ रही थी, पानी जैसे पानी पीएमसी की तरफ से कट गया था, लेकिन मैडम वो टाइम टू टाइम पानी व्यवस्था कर दे रही है और नया बोरिंग भी खनवा दी है। जब से आपने बोला मैडम को, मैडम ने तुरंत एक्शन तुरंत एक्शन ले लिया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं है सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब चीज ठीक है। पानी का भी प्रॉब्लम था, वो भी बेचारी सॉल्व कर दी, हमेशा टंकी आता है, कल का बोरिंग भी करवा दी है, राशन कार्ड सब की टंकी आ जाती है जी हाँ, और राशन कार्ड, विधवा पेंशन, सारा कुछ, इनके तरफ से हम लोग को कोई शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। हमारे वार्ड में पानी की समस्या काफ़ी है, अभी जहां हम आपको ले गए हैं चमन टोली, गांजा गली, ये कुनकुन सिलेन, लाल बाग बाग, मतलब अदरवाइज दशरथ गली, ये सारे मोहल्ले में पानी की समस्या तो मतलब अभी है ही, काफ़ी है, लेकिन अभी चमन टोली में हाल फिलहाल में हाथ लगा है, गांजा गली में पाइपलाइन विस्तार का हाथ लगा हुआ है। फर्स्ट टर्म ही जब मैं जीत के आई थी तो मैंने बोरिंग की व्यवस्था दी थी, लेकिन वो बोरिंग फेल हो गया, अब वो तत्काल कहते हैं कि तुरंत बोरिंग करवाया जाए, तो ऐसा मैं उनको बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता है, हम लोग को भी एक सरकारी फंड उपलब्ध कराया जाता है जिसके माध्यम से हम वो कार्य करते हैं, और जहाँ तक कि पैटर्न विस्तार का कार्य है वो आपको धरती पर दिखेंगे, क्योंकि बाकी मोहल्लों में लग चुके हैं और आपके मोहल्ले का भी वो टेंडर फाइनल हो चुका है, और मैं यही आप लोगों से पब्लिक से कहूँगी कि आप लोग धैर्य रखें, दशरथ गली में भी कार्य शीघ्र होगा और आप लोगों तक पानी भी पहुंचेगी। मेरे पापा ही रह रहे थे उस 100 साल से यहाँ। 100 साल से मतलब प्राइवेट है ये? हाँ ये प्राइवेट है, और उसके बाद हम लोग रह रहे हैं, मेरे पापा इस पार कर गए 19 में 2000 नहीं ऐसे ही, कोरोना तो उस समय था ही नहीं। तो मैडम आती है आप लोगों से मुलाकात? हाँ आती है। कभी कोई दिक्कत ऐसे नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा था इधर के लिए, कोई इधर के लिए? हाँ खाली कराने के लिए आ रहे थे सर, हाँ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एकदम तोड़ने का ऑर्डर आ गया था, हाँ। खाली करने का ऑर्डर आ गया था, तो मैम आ गया था, हाँ प्रशासन, बहुत सारा प्रशासन, अच्छा। 3-4 जिप्सी आया था, हाँ। फिर मैम आई, मैम पूरा समझाई, बहुत बोली, लड़ाई झगड़ा भी की बेचारी, पर केस भी उन लोग कर दिया कि आप क्यों उन लोग के बीच में बोले, हम मेरे आदमी है, हम लोग कहे तो हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे, तो मैम हाँ जब मैम आगे आ गई थी, हाँ खड़ी हो गई थी मैम, आके खड़ी हुई थी, बहुत हम लोग के बारे में बोली भी, लेकिन इनके बात को भी लोग इग्नोर कर दिया, उल्टे इन पर ही केस कर दिया, उसके बाद प्रशासन बैरक लौट गया वापस, हाँ लौट गया, फिर हम लोग कुछ कोर्ट का पर कागज था ना हम लोग का, मेरे पास कागज है, कागज दिखाए हम लोग की मेरे पास कागज है निजी प्रॉपर्टी का, तो देखा तब वो वापस लौटा चले गए, नहीं तो मतलब उन लोग को लग रहा है कि हम लोग यूनिवर्सिटी का लिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, निजी प्रॉपर्टी है जो मतलब महंत जो थे उनका था, हाँ
ये पूछता ही नहीं है सर, यहाँ बाप दादा ऐसे बोल रही है 100 साल से। हाँ बहुत मेरे पापा थे, हम लोग नहीं, हम लोग तो जब पैदा हुए तो अभी थे, अभी तक नाना। हाँ वही इसके लिए वो पानी ब्लॉक कर दिया, इसीलिए कंप्रेसर मार रहे हैं, पानी फेंक भी रहा है थोड़ा सा, फिल्टर खुल गया तो भैंका मार के मोटर डाल के चालू कर देंगे। मतलब फाइनली कितना दिन टोटल? आज से मेरा काम खत्म हो जाएगा, आज हम पानी गिरा देंगे, आज मोटर तो चालू करके हम अपना जो भी पानी उनी सबको देना चालू कर देंगे। और ये ऊपर में जो मोटर लगे टंकी लगेगा वो तो टंकी लग रहा है कि आज अभी मिस्त्री आए उसे अभी तो नाप गए हैं तो बोले कल या परसों से हाथ लग जाएगा। मतलब फाइनली एक हफ्ता में टोटल कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ एक हफ्ता, चलिए ठीक है, पानी मतलब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ एक हफ्ता के अंदर में हो जाए, एक हफ्ता के अंदर में हो जाएगा, एक हफ्ता के अंदर में हो जाएगा क्लियर। कितने लोगों की आबादी है मैडम इधर की, जिसका शॉर्ट आउट कर रही है? यहाँ पर लमसम आबादी इधर है ना? हाँ ये टोटल पूरा घर हुआ लमसम 300-350-400 का लमसम है इधर। इसके अब ये जब चालू हो जाएगा ना तो इसके द्वारा अगर ये लोग चाहेंगे तो मतलब अपना पाइप पर्सनली पाइप अपने घर तक ले जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ लाना नहीं, पाइप सबके गया हुआ ठीक है ना, टंकी टंकी बैठेगा, टंकी से जितना भी पाइप आएगा सबके अपना अपना घर का ही, उसमें कनेक्शन होके अपना घर में चल जाएगा पानी। क्या बहुत अच्छा काम की है, हाँ हम लोग को पानी दी है, कोई परेशानी नहीं है, सब परेशानी की दूर कर रही है। पानी का समस्या था आप लोग के तरफ? हाँ पानी के समस्या था, हाँ हाँ पानी के, हाँ और कुछ साफ सफाई? हाँ सब होता है, सब होता है, सब करवाती हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम खुश हैं, फिर दोबारा फिर हम इनको मदद करेंगे हम लोग। आप लोग ठीक है? ठीक है। कुछ नहीं है, नहीं नहीं कनेक्शन जुड़ेगा क्योंकि पाइप आप लोग का आया हुआ है, उसी से बस मिलाना है और कुछ नहीं करना है। कि सियाना सियाना लड़की लोग हम लोग का है, कितना दिक्कत देखिए, वहाँ बगल से पानी गंगा जी से लाने जाए खींचने के लिए, यहाँ खींचते हैं तो बवाल होने लगा, गंगा जी जाते हैं रोज खींचने के लिए। पहले इसको हो जाने दीजिए, जुड़ने वाला काम है, करवा दीजिए। चाहते हैं कि मैंने हाँ कि पाइप जुड़ जाए, सब कुछ अच्छा सा पानी ले सके। हाँ बस यही हम लोग चाहते हैं, हो जाए। हाँ बस, हाँ ठीक है। क्या शिकायत? शिकायत यही है बस, हाँ वो जो बोला गया कि मैं पानी हमारा हाँ घर ऊपर तक, यही सोचते हैं कि आ जाए खाली पानी हम लोग का। लड़की लोग नहा हम लोग दिक्कत ये है भाई साहब के घर में एक महीना से पानी नहीं है, अब हम लोग को है कि लाना पड़े, समस्या एक महीना से ही समस्या है, ज्यादा दिन से है नहीं। क्यों बोलते हैं झूठ के हम लोग को ज्यादा दिन से, एक महीना
निगम का पानी आ रही है, अरे पर डे आ रही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आ रही है, पर डे 700 रुपया जो भी अपना जो खर्च होती है वो आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही, आ रही है, लेकिन फिर भी कितना आदमी क्या करेगा, पानी एक ऐसा चीज है कि हर वक्त में पानी चाहिए, बोरिंग तो हो ही गया है, लेकिन हो जाए समस्या घर में आ जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं कि घर में आए, अरे हाय मान लेते इतना घर है, एक नल भी अगर पर डे आदमी के पीछे अगर चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत की भी है, हर चीज करती है, हाँ कोई ऐसा चीज भी जाते हैं तो हम लोग कभी नहीं माना नहीं करती हैं, राशन कार्ड बना बना सब चीज बना है, हम लोग दिक्कत नहीं है इनके तरफ से, हम लोग कोई ऐसा चीज जाते हैं कि साइन करने के लिए चाहे कुछ भी करती हैं, चाहे आठ के भी नहीं बोलती हैं कि नहीं निकलेंगे चाहे कुछ, ऐसे भी नहीं बोलती हैं, कोई ऐसा भी चीज तुरंत भी करती हैं। मैडम जो काम करे ठीक है कर रही है, हम लोग का सहायता होगा उनके हेल्प से, पानी का समस्या हाँ, समस्या था तो वो किए ना, अब घर घर आ जाएगा तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, वो तो सोचने का तो बोला आश्वासन दिया, हाँ ठीक है, का भी रहेगा, जब हम लोग के हेल्प करे तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे उनका हेल्प, मतलब मैडम से खुश है, हाँ आ जाएगा तो खुश है, पहले घर घर आ जाएगा उसके बाद ही खुश रहेंगे, चुनौतियाँ हैं लोगों का, यह कहना है कि जब तक घर तक पानी नहीं पहुंचेगा, आपने तो बोरिंग करवा दिया लेकिन जब तक घर तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक निश्चित नहीं रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, लोग हैं तो बहुत तरह का बात भी होता है, बहुत लोग का कहना है कि एक घंटा बोरिंग चलेगा, बहुत लोग का कहना है कि मेरे घर तक पानी नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसेस होता है कि जो लोग चाहते हैं कि हम पर्सनली अपने घर तक पानी लाएं, वो पर्सनली आप अपना पाइप वहाँ तक सेट करवा सकते हैं, और नहीं तो जिनका पाइप वहाँ तक पहले से ही सेट है तो बस कनेक्शन दे दिया जाएगा, और जहाँ तक एक घंटा चलने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बोरिंग का इस्तेमाल सिर्फ हम एक घंटा ही करेंगे, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है कि एक घंटा में किसी का काम नहीं होता है, अब इन लोगों पर ये निर्भर करता है कि इन लोगों पर निर्भर करता है कि हाँ अब इन लोगों पर निर्भर करता है कि ये लोग किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन ज़्यादा देर यूज़ करने पर वो जल जाती है, अगर ये लोग उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो काफ़ी दिन तक चलेगा ये, तो मतलब लोग आश्वस्त हो गए कि भाई घर तक पानी पहुंच जाएगा, अब आधा काम तो आपने कर दिया, खैर इन लोग अस्त व्यस्त होना जायज है, क्योंकि काफी दिनों से पानी की यहाँ समस्या बनी हुई थी, जो कि लोग पानी का कदर नहीं करते थे, अब पानी का कदर करेंगे। इस वक्त शाम के 6:30 बज चुके हैं और खजांची रोड चमन टोली में जिस सामुदायिक भवन का जिक्र किया जा रहा था उस सामुदायिक भवन के पास मैडम खुद आ पहुंची हैं और खुद निरीक्षण कर रही हैं। आपको बता देते हैं कि सुबह से वो जिस तरह से लगती हैं और शाम शाम तक सामुदायिक भवन, उसके बाद अपने घर पहुँचती हैं। हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो करता धरता है जो देख रहे हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? बच्चू प्रसाद। क्या नाम है? बच्चू प्रसाद। बच्चू जी, सामुदायिक भवन का भूमि पूजन हो गया, शिलान्यास जी हाँ हो गया, कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा, कितना बड़ा ये सामुदायिक भवन, कितना लाभ पहुंचेगा? लाभ तो बहुत बढ़िया पहुंचेगा। कितना बड़ा, कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा? अब देखिए वो लोग घर बनाते हैं, देखिए आप ही देख रेख कर रहे हैं ना, ना हम ना दूसरा कोई है, लेकिन हम लोग इसी मोहल्ला के बस है। कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा? एक दो महीना लगे, बहुत लाभ पहुँचेगा। मैडम खुद आई है, मैडम आप निरीक्षण करने आई हैं, कब पूजा हुआ था, शिलान्यास कब हुआ था? ये सरस्वती पूजा के दिन हुआ था 5 तारीख को, उसमें हमारे द्वारा मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता में बीजेपी कार्यकर्ता गण सब थे और मेयर साहिबा भी यहाँ पर आई थी, आशीष सिन्हा भी विधायक जी के जो सुपुत्र हैं वो भी हम लोग के साथ यहाँ पर भूमि पूजन में शामिल हुए थे। हम चाहेंगे कि थोड़ा चल करके आप दिखाएं कि किस तरह से सामुदायिक भवन बनने जा रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन है आपके दिमाग में, वो थोड़ा बता दीजिए ना, ताकि आपके वार्ड की जनता के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर ये तो काफ़ी आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये हॉल है। हाँ। इतना बड़ा हॉल है कि मतलब कि ये 4 फ्लोर जब जाएगा तो 4 फ्लोर तक जाना, हाँ 3 से 4 फ्लोर ये जाएगा, और इसमें बाथरूम की व्यवस्था, एक छोटे रूम की व्यवस्था, एक हॉल की व्यवस्था इसमें देनी है हम लोगों को। ये काफ़ी दूर तक है और ये मंदिर है, लेकिन हम लोगों ने ये प्रोसेस में रखा है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं किया जाए, हाँ मंदिर वैसा ही रहेगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम लोग भी हैं और इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर जो भी है आप देख लीजिए मंदिर की मतलब चौड़ाई लंबाई कितनी है, ये ऊपर काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ समुदाय भवन बनेगा,
जो यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभकारी भी होगा और यहाँ के लोग काफ़ी यहाँ पे मतलब जो भी सामूहिक कार्यक्रम होते हैं यहीं पर ये लोग करते हैं। पहले तल्ला में अगर बात करें तो पहले तल्ला में क्या बाथरूम और टॉयलेट का भी इंतजाम हो गया और एक रूम से पूरा हॉल ये पूरा हॉल रहेगा क्योंकि शादी विवाह में तो एक कम्युनिटी हॉल की तरह ही यहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा ताकि कितने भी लोग आए तो उसमें एडजस्ट हो पाए और इन लोगों को परेशानी भी ना हो क्योंकि छोटे छोटे रूम के तौर पर बनाया जाएगा तो ये असुविधाजनक होगी इन लोगों के लिए और ये हॉल इसी तरह रहेगा ताकि हाँ फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर भी हॉल रहेगा बाथरूम की व्यवस्था रहेगी मतलब हर फ्लोर पर बाथरूम की व्यवस्था हर फ्लोर पर बाथरूम की व्यवस्था रहेगी ताकि लोगों को सुविधा ना हो क्योंकि लोग जब ज्यादा हो जाते हैं तो व्यवस्थित तो भी होना जरूरी है। क्या लगता है कि कब तक बन करके तैयार हो जाएगा ये आधा घंटा तो काम है ही कि अब बाकी आपको पूरा करना ऊपर तक ले जाना है ये लमसम अभी तो भूमि पूजन तुरंत हुआ है ज़्यादा दिन नहीं हो पाया है ये लमसम 6 से 8 महीना मतलब लगभग साल भर तो लगना ही है। हाँ लमसम साल भर लगना ही है कंस्ट्रक्शन में उतना काम लगता ही है उतना समय तो हम लोग के द्वारा लिया ही जाएगा क्योंकि जान ही रहे हैं कि जब छत ढलाता है तो थोड़ा समय उसमें ही पड़ता है जैसे जैसे फ्लोर बाई फ्लोर जाएगा हाँ उसमें थोड़ा सा समय लगेगा साल भर मुश्किल से हो जाएगा समय। मोहल्ला टोले का शादी ब्याह होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है जगह है लेकिन थोड़ा सा उसमें हो नहीं पाता तो हमारे वार्ड पार्षद कंचन देवी जी इसमें हम लोग का सहयोग किए हैं हेल्प किए हैं बोले कि 3 तल्ला बनेगा तो इस मोहल्ले वाले का रिलैक्स मिलेगा और इस मंदिर का थोड़ा अभी फिलहाल देखभाल मैं करता हूँ खुद करता हूँ। तो कुछ महीनों में बन करके तैयार हो जाएगा कोई समस्या वमस्या है इधर? समस्या यही है सबको अच्छा सुविधा मिल जाएगा अब पहले जैसा बात नहीं रहा जो समस्या क्या है आप बोलो समस्या सबको अच्छा सुविधा मिल समस्या है कि इसी जगह है एक बहुत सा मैंने जो ये एक टोला है इसका जब ये बन जाएगा बढ़िया से एक सामुदायिक भवन और साथ में मंदिर तो इस जगह के लोग को चार चांद लग जाएगा और खुशहाली से रहेगा और सब शादी ब्याह दुनिया जहान कुछ फंक्शन जो होगा उसमें लोग को बहुत सा खुशी मिलेगा। अशोक कुमार है। अशोक जी कब से आपका दुकान है यहाँ? 40-42 बरस से। 42 बरस से। आपकी उम्र कितनी हो रही है? उम्र करीब 52-53 बरस है। मतलब बचपन से ही दुकान आप संभाल रहे हैं? इसी समय संभाल रहे हैं। कई सारे वार्ड पार्षद को आपने देखा होगा अपने दौर में जिस बारे में तो कंचन देवी का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा है अभी तक। अच्छा लगा तो आखिरकार क्यों अच्छा लगा? अच्छा लगा कि अभी जो उतना भी अभी जो अभी जैसे कल का कारोबार चल रहा है फिर आधार कार्ड बना फिर अपना राशन कार्ड भी इनके दरमियान बना अभी हम लोग 15-20 साल से सेटिंग में पड़ा हुआ था ये अभी आए तो बना फिर हेल्थ कार्ड बना है फिर श्रमण कार्ड बना इस तरह से जो भी इनका अंडर में काम है सब बना और उसके बाद आज कल का भी काम चल रहा है। हाँ बहुत काम हुआ इसीलिए हाँ इनके इनके सामने फिर अंदर मंदिर है मंदिर अपना चमटोली मंदिर है तो इसमें कोई आज तक कोई देखभाल नहीं किया लेकिन आज ये अपने थ्रू मंदिर को बढ़िया से बनाने के ढंग से अभी शिलान्यास हुआ है यही 5 तारीख है तो हमको लगा कि समाज के तरह कभी रहे तो अच्छा बात है। तो आशीर्वाद है चुनाव नजदीक है तो आशीर्वाद दीजिएगा प्यार दीजिएगा। अरे काहे नहीं देंगे ये तो अपना घर की बात है ये तो अपना ये तो हम लोग एकांत में हैं हम लोग यही मोहल्ले के इसी के हैं हम लोग कोई नया दुकानदार नहीं है इसी मोहल्लेवासी है खाली मोहल्लेवासी हम लोग हैं। मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि देखिए वोट आपको करना है और जिताना भी आपको है आप एक सही इंसान को चुनिए
मैं हूँ ना हूँ ये अलग चीज है, लेकिन आप सही इंसान को चुनिए जो कार्य करे। अगर आपकी नजर में मेरी गलती होगी तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और मेरी नजर में आपकी नजर में मेरी गलती नहीं है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि मुझे कृपया फिर से जिताइए।